महमूदाबाद सीतापुर द्वारा पाट दी गई नाली सड़क पर बहता रहा नाली का गंदा पानी। महमूदाबाद सीतापुर उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अंतर्गत आने वाला विकास क्षेत्र रामपुर मथुरा की महिला जिसका नाम सफी कुन उम्र 30 वर्ष पत्नी अली अहमद निवासी ग्राम टपरा मजरेट खट्टा के द्वारा थाना अध्यक्ष रामपुर मथुरा को एक प्रार्थना पत्र 15 जुलाई 2019 को दिया था जिसमें गांव में बनी हुई सरकारी नाली का विवरण दर्शाया गया था। साथ ही इसमें जिन लोगों के द्वारा सरकारी नाली पाट दी गई है उन सभी विपक्षियों के नाम प्रार्थना पत्र में दर्शाए गए हैं। उक्त महिला के द्वारा थाना अध्यक्ष रामपुर मथुरा को प्रार्थना पत्र दिए लगभग 5 माह बीत गए हैं, मगर अभी तक थाने से कोई भी कर्मचारी मकान मुआयना करने नहीं गया है। इधर दबंगों के हौसले, हमारे पानी निकलने की बहुत परेशानी है और जो है कोई कलंक निकास नहीं है पानी की, बेहद परेशानी है। हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, गंदी छीटी पड़ती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर वापस हमको जाना पड़ता है, नमाज में दखल पड़ जाता है जी। तो आपने इसकी कंप्लेन किसको दी? कंप्लेन हमने की प्रधान से कहा, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कारण क्या बताया जाता है आपको कि कारण उनको बताया जाता है? नहीं कुछ भी नहीं, वो कहते हैं कि जो पुराने प्रधान जो पहले बनवाया था वो इसको जो है मरम्मत करवाए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि उनके पीडीएफ में बन गया था लेकिन अब वो प्रधान नहीं है, अब प्रधान दूसरा है। क्या नाम है आपके प्रधान का? हमारा अभिषेक जो मौजूदा है तो पुत्तन नाम है। पुत्तन कहाँ का उनका घर कहाँ पे हुआ? घर है जो है टिक्ठा में। और ये जहाँ पे हैं आप, इसका इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम है टपरा रामपुर मथुरा सीतापुर। ग्राम मौजा क्या लगता है? ग्राम टिक्ठा। टिक्ठा जी, आपका क्या नाम है? जी बताइए, यहाँ पे आपको जो समस्या बता रहे हैं, पानी निकलने में दिक्कत हो रहा है, ये समस्या कब से है आप लोगों को? ये समस्या बहुत काफी दिनों से, डेढ़ साल से हो गए। इसका निवारण कोई करने आता है? नहीं, कोई नहीं आता, यहाँ की सुनवाई कोई नहीं हो रही। अच्छा, सफाई कर्मी यहाँ पे कौन है? तो आता है, कोई सफाई करने देता ही नहीं, जब नाली टूटी पड़ी है पानी निकलने नहीं देता, जब सफाई हो जाएगी। जी जी पप्पू जी जी, क्या नाम है आपका? आपका सफी कुल जी। आपको जो दिक्कतें हैं कब से हो रही है? दिक्कत बहुत दिन से हो रही है। आपने किसको किसको शिकायत की है? शिकायत तो भैया बहुत दिन बाद यहाँ कब बाद कोई नहीं है, एप्लीकेशन थाने तक दिए हो? मतलब यहाँ पे कोई सुनवाद है नहीं है, दूसरी चक्कर तीन प्रधान किया गया जी। प्रधान ने आपको जवाब में क्या होता है? जवाब में बस सत्ता कहा कि चलो आते हैं, कोई यहाँ पे देखे ही नहीं आए हैं। चलिए ठीक, क्या नाम है आपका? हाँ, आपको जो दिक्कत कब से हो रही है नाली की? बहुत दिन से हो रही। यहाँ पे कोई सफाई कर्मी आता है या नहीं आता? कोई नहीं आवत। कब से आ रहा है? कभी आया है इसके पहले? आवत तो है, मगर साफ करे नहीं लोग देते। अच्छा, कोई सफा नहीं करो, करे देते अपने आगे करी नहीं है, सफा तो करे रोज आवत। आगे आओ जरा, क्या बोलते हैं जो सफा करने आते हैं उसको कौन रोकता है, कौन मना करता है? सब रोका था, अपने क्या कहते हैं, हमने वैसी पानी भरी, ऐसी पानी भरी, कोई बड़ी नरिया दैया बनी है, कोई पानी नहीं निकल रही। तो मतलब गांव के ही रोकते हैं क्या? हाँ, गांव के रोकते हैं, सब रोकते हैं। क्या नाम है? आगे चलो देखो नरिया पटी है कि नहीं पटी। चलिए तो दोस्तों देखो, एक ग्रामवासियों की जो है ये समस्याएं हैं जो यहाँ पे सफाई अगर सफाई कर्मी नियुक्त कर दिया जाए तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे जो है खत्म हो सकती हैं, लेकिन प्रधान की लापरवाही की वजह से जो है यहाँ पे कार्य नहीं हो पा रहा है। ये देखिए जो ग्राम का जो है यहाँ का दृश्य जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से रोड पे पानी निकल रहा है, वास्तविक जो देखा जाए तो एकदम घर के सामने भी यहाँ पे पानी जैसे निकल रहा है वास्तविक। आप लोग देख सकते हैं घर से सटी हुई नालियाँ हैं जो थोड़ी सफाई कर्मी के नियुक्त न होने के कारण। अब ये ग्रामवासी बता रहे हैं कि यहाँ सफाई कर्मी नियुक्त है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे सफाई करने कम से कम एक साल से कोई व्यक्ति नहीं आया है। तो आप देखते रहे पौरव अधिकार रहमान तवर के साथ निम्न मिश्रा की रिपोर्ट।